BJP's Goa Lok Sabha election in charge Ashish Sood said that they will be going among the public with their achievements and said Congress is not finding suitable candidates to contest the upcoming Lok Sabha elections. Speaking with reporters, Sood said, "We are going among the public with our achievements. I can say with confidence that Congress will not be even able to field its candidates for both seats in Goa. As per the sources, Congress is not finding suitable candidates to contest the elections." Replying to a query, the BJP leader said, "Prime Minister Narendra Modi also said, and I also believe that we respect the Nari women. We worship the Shakti and do not destroy it." He also condemned Congress leader Rahul Gandhi for his Shakti remarks, which had drawn sharp criticism from PM Modi and other BJP leaders. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkorem and Dhargal. Contact Big Tycoon. भारतीय जनता पार्टी की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किए हुए काम और उनके नेतृत्व में बहुत तेजी में है और हम जनता के बीच में जाकर अपनी उपलब्धियों को बता रहे हैं और हमारी तैयारियों का तो आलम यह है। मैं आपको पक्का विश्वास से कहता हूं कि कांग्रेस गोवा में दोनों सीट पर अपना कैंडिडेट भी फील्ड नहीं कर पाएगी। मुझे पक्का हमारे सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस को सीटों पर लड़ाने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। किसे क्या लगता है कि अभी क्या ऐसे सोर्सेस बोल रहे थे कि वुमेंस को देगा साथ को, क्या सही लगता है? देखिए, पुरुष स्त्री, महिला पुरुष या जाति में न बंटकर किसी गोवन को चुनाव लड़ाएंगे जो भारत माता की सेवा करके गोवा के विकास, विकसित भारत और विकसित गोवा अभियान को आगे लेकर जाएगा। और चाहे कोई महिला लड़े, हम लोगों को तो हम जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और हमारा मानना है, हम तो नारी का वंदन करते हैं, चरण पखारते हैं, हम पैर छूते हैं हम नारी के, और हम उनका सम्मान करते हैं। हम शक्ति की उपासना करने वाले लोग हैं, शक्ति को समाप्त करने वाले लोग नहीं हैं। जिस प्रकार का बयान राहुल गांधी जी ने वहां दिया है वो निंदनीय है, मगर भारतीय जनता पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी? उसको चुनाव लड़ाएगी जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत और विकसित गोवा अभियान को आगे ले जाएगा। सर, कल कहे कांग्रेस वाले ने एक एलिगेशन किया कि बीजेपी ने मिस यूज कर रहे कि सब गवर्नमेंट मशीनरी और ये है सर, क्योंकि विकसित भारत का कैंपेनिंग में सब पूरा बीजेपी ने मिस यूज कर रहे हैं। देखिए, विकसित भारत भारत सरकार का कैंपेन था, भारत सरकार ने उसे किया है। देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉसी जुडिशियल बॉडी है, उसके पास शिकायत करनी चाहिए। मगर मैं आप पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पूरा सम्मान करती है चुनाव आयोग के नियमों का और चुनाव आयोग द्वारा लगाई गई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। कांग्रेस अपनी हार को देखकर इस प्रकार की बातें कह रही है। क्या लगता है कि फाइनली सर दोनों सीट बीजेपी का होएगा सर? देखिए, देश में मोदी की गारंटी चल रही है और मोदी की गारंटी है विकसित भारत और विकसित गोवा, और यकीन जानिए कि गारंटी पूरी होने की गारंटी भी मोदी की गारंटी है, इसलिए दोनों सीट जीतने वाले हैं। सर, साउथ गोवा का डिले क्यों सिद्ध हो रहा है डिक्लेयर करने के लिए? लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन चला गया क्या? नहीं, तो डिले कैसा? फिर कैसा डिले? सोमवार को बोला था हमने, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं बोला हम कब डिक्लेयर करेंगे, हमें तो मालूम ही नहीं है।